हिंदू दिवाली का जश्न खूब मनाओ पर मिलावटी माल से जरा बचके। वो हलवाई जो रंग बिरंगी चमचमाती चांदी के वर्क के साथ मिलावटी मिठाई लिए बैठा है ना मोटा पेट लेकर, आपका पेट मिनटों में खराब कर सकता है। ये वीडियो आपके बड़े काम का होने वाला है कसम से, क्योंकि इसमें आपको कुछ एकदम इजी टेक्निक्स पता चलेंगी जिसमें आप किसी भी मिलावटी माल को मिनटों में पहचान सकेंगे। वैसे तो हर त्योहार पर मिलावट का बाजार खूब फलता फूलता है। मार्केट में आपको खाने पीने की चीजों में सबसे ज्यादा मिलावट मिलेगी। दिवाली पर मिलावटी मावा और मिलावटी मिठाइयों का मार्केट भी तैयार हो जाता है, क्योंकि खुशियों के इस फेस्ट पर लोग जमकर मिठाई खरीदते हैं और एक दूसरे के घर देख कर भी खुशियां बांटते हैं। हालांकि इसी मिलावट से तंग आकर आजकल दिवाली पर लोग मिठाई की जगह चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट या फिर नमकीन और कुकीज के गिफ्ट हैम्पर देने लगे हैं। लेकिन गुरु, घर में पूजा के लिए और आने वाले मेहमानों के लिए तो मिठाई लानी ही पड़ती है ना। ऐसे में मिठाई खरीदने से पहले आप ये जरूर जान लो कि असली और नकली मिठाई की पहचान कैसे की जाती है। मिठाई में वैसे तो सीधे कुछ नहीं मिलाया जाता, बल्कि इसे बनाते वक्त इस्तेमाल होने वाले दूध, चांदी के वर्क, चीनी या ऑयल में मिलावट की जाती है। जैसे चांदी के वर्क में एल्यूमिनियम मिला दिया जाता है, दूध में यूरिया रंग वॉशिंग पाउडर मिला देते हैं, घी में चर्बी मिला दी जाती है, मावा में आरा रोट चीनी मिला दी जाती है। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे पता करें कि मिलावटी मिठाई है या फिर शुद्ध। मिठाई में कलर की मिलावट खूब की जाती है, इसलिए रंग बिरंगी मिठाई खरीदने से बचें। कलर वाली मिठाई को हाथ में लेकर चेक करें, अगर हाथ में रंग नहीं लग रहा तो रंग की मिलावट नहीं है। मावा में सबसे ज्यादा मिलावट की जाती है, इसकी पहचान करने के लिए फिल्टर पर आयोडीन की 2 ड्रॉप डालें, अगर रंग काला हो जाए तो इसमें मिलावट है। अगर खोया बहुत दानेदार है तो समझो इसमें किसी तरह की मिलावट की गई है, शुद्ध खोया एकदम चिकना होता है। मिठाई पर लगे चांदी के वर्क में मिलावट की जाती है, आप वर्क को जलाकर चेक कर लें, असली वर्क जलने पर छोटी गोली नुमा बन जाएगा और नकली वर्क ग्रे कलर का जला हुआ कागज जैसा लगेगा। मिठाई खरीदने से पहले चख जरूर लें, इससे बासी और ताजी का पता चल जाएगा। अगर मिठाई थोड़ी कड़ी और सूखी है तो पुरानी हो सकती है। अगर केसर वाली मिठाई खरीद रहे हैं तो उसे पानी में डालकर चेक करें, अगर रंग निकल रहा है तो समझो केसर नहीं कलर मिलाया गया है, अगर रंग नहीं निकल रहा तो समझो असली केसर है। तो भाई, आपने जाना कि कैसे मिलावट खोर हलवाई का आसान तरीके से भंडाफोड़ कर सकते हैं आप। जानकारी कैसी लगी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ते चलें। साथ ही देश दुनिया की तमाम डिटेल्ड अपडेट्स यूं ही देखते रहने के लिए TV9 भारतवर्ष YouTube चैनल है, वहां की ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाएं और वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें।